दोस्तों मतलब खुशका बना रही हूँ मैं। इसके लिए कुकर रख चुकी हूँ मैं, फ्लेम ऑन कर चुकी हूँ, अभी तेल ऐड कर लेंगे। देखिए दोस्तों हम इधर एक टेबल चम्मच तेल ऐड कर लेंगे, इसको गर्म होने देंगे, मतलब 4 स्पून जितना तेल है ये। मैं 4 आदमी के लिए बना रही हूँ, इसके लिए मैं इतने क्वान्टिटी में ले रही हूँ, 1.5 किलो चावल का बना रही हूँ, इसको गर्म होने देंगे हम। ये दोस्तों तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, खड़े गरम मसाले बताए दी हूँ, थोड़ी सी सौंफ, थोड़े से शाह जीरा, 5 से 6 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 इलायची, थोड़ा तेज़पत्ता, सारी चीज़ें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा चटकने के बाद 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके रखी हूँ, इसको ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेना है, थोड़ी कच्ची स्मेल चली गई तक इसको थोड़ा भून लेंगे हम। थोड़ा भून जाने के बाद अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे, इधर में 1 स्पून भर के ऐड कर रही हूँ। इसको हम थोड़ा कच्ची स्मेल चली गई तक भून लेना है। अदरक लहसुन कच्ची स्मेल चली गई है, 1 मीडियम साइज का टमाटर काट के इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको भी हम थोड़ा भून लेंगे। 1 मुट्ठी भर पुदीना, थोड़ा धनिया पत्ता है कटा हुआ, इसमें थोड़ा कट्स लगा के डाल रही हूँ। इसी के साथ हम 1 स्पून नमक ऐड कर देंगे, नमक ऐड करने से टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। सारे मसालों को हम अच्छे से, जब तक टमाटर थोड़ा सॉफ्ट ना हो जब तक अच्छे से भून लेना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, देख सकते होंगे आप या बिरयानी मसाला घर में बना हुआ गरम मसाला ऐड कर सकते हो। 1 स्पून ऐड कर रही हूँ, वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आप चाहे तो वीडियो चेक कर सकते हो, देख सकते हो किस तरह से बनाएं करके। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, 1 कप पानी, चावल ले रहेंगे तो उसका डबल पानी लेना है, 2 कप पानी लेना है। 1.5 कप चावल ली तो इधर 3 कप पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पानी ऐड कर चुकी हूँ मैं, हम उबाल आने देंगे। दोस्तों इसमें उबाल आ चुका है, अभी हम चावल ऐड कर लेंगे। आप ये बनाना शुरू करने के पहले ही आपको चावल को 10 मिनट के लिए अच्छे से धो के भिगा के रखना है। भिगे हुए चावल मैं ऐड कर रही हूँ, अच्छे से 10 मिनट पहले भिगा के रखी हूँ मैं। पानी निकाल के इसको ऐड कर लेंगे। मैं इधर आधा बासमती ली हूँ, आधा बुलेट राइस ली हूँ, मिक्स करके होंगे आपको। मैं चावल ऐड कर चुकी हूँ, एक बार मिक्स करके नमक चेक कर लीजिएगा, नमक कम होगा तो इस समय पर ऐड कर सकते हो। प्लेट ढक के 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको पकने देंगे। देखिए दोस्तों इसका प्लेट निकाल के चेक कर रही हूँ मैं किस तरीके से ये पक रहा है करके। इस समय पे आपको फ्लेम को लो कर दीजिएगा, लो करके दम पे छोड़ दीजिएगा, अच्छे खिले खिले चावल आपके बनेंगे। इतना आधा गलने के बाद लो फ्लेम कर दीजिएगा, मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम में अभी इसको लो कर देंगे हम। लो करके 10 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे, अच्छे से पानी भी सूख जाएगा, चावल भी सॉफ्ट हो जाएगा। वो सिंपल तरीके से बन सकता है दोस्तों ये राइस। इसको मैं 10 से 15 मिनट तक छोड़ के मैं बीच बीच में चेक कर लूँगी दोस्तों, 1 से 2 टाइम के। राइस अच्छे से दम हो चुका है, 10 से 15 मिनट तक मैं अच्छे से इसको दम पे छोड़ दी थी, देख सकते होंगे आप। अभी हम इसको बस चेक कर लेंगे, देखिए चावल सारे खिले खिले कितने अच्छे से बने हैं करके। इस तरह से छू के देखेंगे तो आपको पता चलेगा, देखिए सॉफ्ट हो गए हैं। बस इसको हम हल्के हाथ से मिक्स करके सर्व कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों मैं सर्व कर चुकी हूँ बघारा राइस को, अभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।